कांग्रेस की महत्वपूर्ण योजना गौशाला भाजपा के शासन कार्यकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। सिरौंज में विगत 3 दिन पूर्व स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत सोना में 3 शेड की गौशाला में पशुओं को शिफ्ट कर दिया था। लगातार हो रही बारिश के चलते मवेशी भूख और प्यास से ठिठुर कर इतने कमजोर हो गए हैं कि अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, जिसमें एक बछड़े की मौत हो गई। अन्य मवेशी भी बीमार नजर आने लगे हैं। गोवंश की दुर्दशा को लेकर ग्रामीण जनों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मना करने के बावजूद भी जबरन मवेशियों को निर्माणाधीन गौशाला में भेज दिया था। यहां पर किसी भी तरह की चारा पानी की सुविधा नहीं है। सिरौंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। पहले कांग्रेस कार्यकाल हुआ था जिसने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई थी गौशाला, और ग्राम पंचायत सोना में गौशाला का निर्माण किया जो सरपंच और सचिव द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, इसके बारे में क्या कहना है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने समय में लावारिस गायों के लिए या जो गाय या जानवर इधर उधर भटकते रहते हैं उनके लिए एक योजना चलाई थी, जिसमें हर पंचायत में एक गौशाला खोलने का उनका प्रस्ताव था। कुछ पंचायतों में गौशालाएँ खोली गई, उनके समय में इनके लिए फंड जारी किया गया, परंतु अब देखने में आ रहा है भाजपा के शासनकाल में इन गौशालाओं की कोई देखरेख नहीं हो रही है, अधूरा इनको बना के छोड़ दिया गया है। इनका पूरा पैसा भाजपा के नेताओं ने अपने दम पे निकलवा के सरपंचों के साथ उसमें सांठगांठ कर ली है। आज आप यहाँ सामने देख रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 50 गाय यहाँ पर इसमें बंद हैं। इनके ऊपर कोई छत नहीं है, कोई टीशेड नहीं है, कोई पन्नी की व्यवस्था नहीं है। इनको खाने के लिए सड़ा हुआ भूसा रखा हुआ है। इसमें सरपंच पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को यथाशीघ्र इन गायों को सही जगह पर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जो मार्च में इस गौशाला को पूर्ण दिखा रहा है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है, इसके बारे में आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि यथाशीघ्र जिन लोगों ने इस गौशाला के बनाने में घपला किया है उन पर कार्रवाई की जाए और तत्काल इन गायों की सुरक्षा की जाए। मैटर क्या है? पूरा मैटर गौशाला का मैटर ये है कि आज से 4 दिन पहले यहाँ पर इन गायों को अलग रख दिया था और कंटिन्यू यहाँ 3 दिन खूब बारिश हुई। 3 दिन की बारिश के अंदर ये गायें इतनी कमज़ोर हो गई कि चल भी नहीं सकती हैं। अब इनके खाने की पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ऊपर टीन शेड है, ना कोई पन्नी है। रात भर दिन भर बेचारी गायें भीग रही हैं और खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है पीने के लिए। तो कौन सी पंचायत है, क्या है सरपंच? ये ग्राम पंचायत सोना है, सोना गाँव के अंदर ये पंचायत ये बना हुआ है, गौशाला बनी हुई है। अब हमारा कहना यह है कि एक इंसान भी 2 दिन भूखा नहीं रह सकता। ये गाय हैं, बेभूखे जानवर हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी ले इसकी? सरपंच साहब कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है और दूसरे लोग कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। होगा क्या? हमारा कहना है कि इन गायों की ज़िंदगी का क्या होगा, यहीं मर जाएंगी तड़प तड़प के गायें। तो यहाँ पर अभी कोई सुविधा नहीं है, आप देख रहे हो कुछ क्या सुविधा है? सड़ा हुआ भूसा पड़ा हुआ है और 3 शेड कुछ नहीं है, पन्नी वन्नी। ये गाय यूँ ही मर जाएंगी, इनको बचाओ, इनकी ज़िंदगी की कोई सुरक्षा करो। एक बच्चा मर गया, 2 पड़े हुए हैं आपके सामने, क्या होगा? क्या मांग करते हैं आप? भाई हमारी तो प्रशासन से और सभी से यही मांग है कि इनकी सुरक्षा कर दो, इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर दो, इनकी जान बच जाएगी। अभी कौन कौन अधिकारी यहाँ पे? अधिकारियों का तो सुनने में आया है कि आज आए थे तहसीलदार साहब जो है यहाँ और थाना प्रभारी पथरिया, ये आए थे यहाँ पर। क्या आश्वासन देगा? कह गए हैं कि हम इसका इंतज़ाम करते हैं, उन्होंने यही कहा कि हम इंतज़ाम करेंगे इसका। उसके बाद कोई आया है यहाँ पर? इसके बाद तो कोई नहीं आया। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।